भारत के संदर्भ में औसत साक्षरता दर और भी कम यानी 74% ही है। हालांकि नेपाल, पाकिस्तान जैसे हमारे पड़ोसी देशों में हालत हमसे भी खराब है, पर विश्व में चीन जैसा भी देश है जिसके यहाँ साक्षरता दर 93.3% है। यह वह संख्या और आंकड़े हैं जो किताबों में हैं। अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो हालात और भी गंभीर नजर आएंगे। विश्व में गिरती साक्षरता दर को सुधारने और इस क्षेत्र में अधिक काम करने के लिए ही संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने 17 सितंबर 1965 को विश्व भर के लोगों को साक्षर बनाने के लक्ष्य हेतु प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की थी। सर्वप्रथम 8 सितंबर 1966 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष एक नए उद्देश्य के साथ विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने 17 सितंबर 1965 को विश्व भर के लोगों को साक्षर बनाने के लक्ष्य हेतु प्रतिवर्ष सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की घोषणा की थी। सर्वप्रथम 8 सितंबर 1966 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष यह नए उद्देश्य के साथ विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस का उद्देश्य है साक्षरता और शांति। साक्षरता विश्व में शांति फैलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। जब लोग साक्षर होंगे तो उनके पास रोजगार होंगे। रोजगार का अर्थ है आमदनी और खुशहाली। अगर खुशहाली होगी तो लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। यूनेस्को ने इसी सोच के साथ साक्षरता और शांति को इस साल की थीम रखा है। उम्मीद करते हैं जब अगले साल हम साक्षरता दिवस मनाएं, तब कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो और समाज का एक बड़ा हिस्सा साक्षर कहलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।